आप लोग खामोश बैठेंगे वरना बात नहीं करेंगे। रुक जाइए थोड़ी देर, जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब अध्यक्ष अधिकार पार्टी, वो कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब अध्यक्ष एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर के मजलिस के प्रत्याशी मिर्जा अकरम बेग साहब, ए रुक जाओ, और उसौली से मजलिस के प्रत्याशी जनाब मजहर हुसैन साहब, मंच पर जन अधिकार पार्टी और मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद जन अधिकार पार्टी और दीगर चार पार्टियों ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया, जिसमें हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को, उम्मीदवार को कामयाब करके सत्ता देती है, तो हमने तय किया कि इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2.5 साल के लिए किसी दलित समाज से हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं पर यह भी तय किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, 1 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, 1 निषाद समाज से और 3रा पिछड़े समाज से एक शख्स को बनाया जाएगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी की ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप हमारा साथ दीजिए, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम कमजोर और मजलूम आवाम को उनका हिस्सा दिलाना चाहते हैं और आपसे मैं अब गुजारिश और अपील करने आया हूं कि आप अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में आप यहां से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी और मजलिस के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें। सुल्तानपुर विधानसभा से मिर्जा अकरम बेग साहब का निशान पतंग का है और पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर और मिली जज्बे का सबूत दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि सुल्तानपुर विधानसभा एक तारीखी विधानसभा है। ये मुकाम औलिया अल्लाह की सरजमीन है, दरगाह 5 पीरा के नाम से यहाँ पर औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सरजमीन को फिर से आने का मुझे मौका मिला, जहां